हाय हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, कल की रात हम ड्यूटी नहीं गए थे। जैसे कि मैं आप लोगों को व्लॉग में दिखाया था ना कि रूम पे पूरा पानी वानी भर गया था, रूम का काम चालू था और यहाँ पर वो पाइप जो भी चुका हुआ था वो सारा काम हम लोग कर रहे थे। तो वो बहुत ज़रूरी था गाइस, नहीं तो फिर रात में तो और बारिश हुई थी कल रात को, नहीं क्या? तो बारिश अगर होती थी तो ये जो बालकनी है, बालकनी एरिया में पूरा पानी भर जाता था, फिर हमको सोना नहीं जमता था। दिन में आके तो मेरे को सोना जमता ही नहीं था क्योंकि दो दिन वैसे भी मुझे प्रॉब्लम हो रही थी पानी की वजह से। अच्छा हुआ कि हमने कल छुट्टी मार के वो वाला काम कर लिए। फिलहाल तो मैं अभी सबसे पहले सो के उठ चुका हूँ, सुबह सुबह यह वाला व्लॉग मैं स्टार्ट किया हूँ, बाकी सब सो के। और आप लोग एक बार बाहर का व्यू देख लीजिएगा, इस क्या जबरदस्त व्यू है सुबह सुबह का। मौसम एकदम ठंडा हो गया, इस बिल्कुल भी बारिश नहीं है, लेकिन बादल बादल होकर है, आ सकती है बारिश कभी भी दिन में, बारिश का तो कोई भरोसा नहीं है। फिलहाल देखिए नीचे का व्यू, ये है घर मालक का आंगन, तार वगैरह रखा हुआ है, ये भी इनकी प्रॉपर्टी है, घर मालक का ही, यहाँ से लेके काफ़ी बड़ा प्रॉपर्टी है, पीछे तक है, ये रूम के भी पीछे है। फिलहाल हमारे सोसाइटी का व्यू देखिए, क्या ज़बरदस्त व्यू है, पूरा साइलेंट सोसाइटी है गाइस, और बहुत मस्त सोसाइटी है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। लेकिन गाइस आज ना हमें अपना काम धाम निपटा के सोना पड़ेगा दिन में, अगर नहीं सोएंगे ना तो रात में फिर नींद आते रहेंगे ड्यूटी में। आज ड्यूटी में जाना ही पड़ेगा कोई भी हाल पे। तो गाइस मेरा पूरा काम धाम हो चुका है सुबह का, फ्रेश वगैरह होके नहाना भी हो गया गाइस, आज नहा धो के मैं लेट भी गया, अभी 10:15 बजने को जा रहे हैं, तो कैसा अपन अभी सो जाएंगे। पूरा काम हो गया, पूरा बस अभी सोने का काम बाकी है। नहा लिया मतलब बहुत बड़ी बात है ना गाइस, सुबह सुबह तो रूम के लोग भी बोल रहे हैं अरे आज जा कर आ रहा तू, नहा लिया, तो चलो अपन अभी सोते हैं गाइस। गाइस पुलिस आके नीचे में, मैं अभी सो के था और बाहर में बहुत बड़ा एक हंगामा हो के, बताता हूँ पूरा कहानी क्या चीज़ हो के है। लेकिन ये देखो, ये कांच वगैरह फूटा है हुआ है ना, तो ये साइड वाले अंकल का कारनामा है, और नीचे में पुलिस वाले भी आकर है, वो देखिए बहुत सारे लोग भी मोहल्ले वगैरह पूरा जमा होके बोलते, ये घर के अंदर अभी पुलिस जाके है, तो मुझे अभी नीचे बुला रहे हैं, जाके देखते हैं क्या सीन है। A few moments later. गाइस सीन कैसा है, साइड वाले अंकल जो है ना वो थोड़ा सा माइंड से डिस्टर्ब है, पूरे मोहल्ले वाले गाइस वो अंकल से परेशान है, वो कैसे काफ़ी ज़्यादा गाली गलौज करते हैं, पता नहीं कोई कोई ऐसे टाइम पे नहीं क्या, डेली नहीं करते लेकिन हर दो दिन में एक बार उनके माइंड में क्या होता है पता नहीं, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है तो बहुत ज़ोर ज़ोर से गाली देना शुरू करते हैं। और मैं आप लोगों को जैसे अभी दिखाया ना कि हमारा खिड़की टूटा हुआ है, तो हमारे रूम की खिड़की और साइड वाले रूम की खिड़की, दोनों खिड़की टूटी हुई है। क्यों टूटी हुई है मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगा, एक बार मैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ। साइड में रहते हैं, पड़ोसी है इस वाले घर के, अभी पुलिस वाले वो अंकल को लेने जाने के लिए आए हैं मेंटल हॉस्पिटल में उनकी ट्रीटमेंट करने के लिए। परसों के दिन एक इशू हुआ था यही कांच तोड़ने का, वो अंकल ने हमला किए थे, ईंट फेंक के मार रहे थे ये दोनों रूम पे, पता नहीं अभी गलती से हम लोगों को अगर लग जाता था गाइस तो फिर कितना बड़ा मैटर हो जाता था, आप लोग सोचो एक बार। मैं तो रूम पे सोया रहता हूँ दिन पे, और दिन की बात है, मैं आप लोगों को वीडियो दिखाऊंगा पूरा कि क्या से क्या हुआ है, मेरे तरफ पूरा रिकॉर्ड करके है, मैं नहीं दिखाने वाला था वीडियो, लेकिन सीन बहुत आगे बढ़ चुकी है इसलिए दिखा देता हूँ आप लोगों को। गाइस सिर्फ हम लोग नहीं, मोहल्ले के सभी लोग वो अंकल जी से परेशान है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है, अभी से नहीं बोलते सालों से, 18-19 साल से परेशान है ये मोहल्ले के लोग, गाली गलौज करते हैं ना उसीलिए वो भी पूरे मोहल्ले लोग परेशान हैं। तो उनको अभी लेके गए मेंटल हॉस्पिटल, अभी उनकी ट्रीटमेंट होंगी। फिलहाल तो आप लोग वीडियो देखिए कि हमारे ऊपर हमला कैसे हुआ है। हाय हमला हो गया, वो आपका पापा पास से कौन है, एक एक भाईंगे फलस से
अरे क्या बोले त्यात पाथर आहे भाईंगे जातो एक बार बरोडचा पाथर मारतो तो ठीक है गाइस, जैसे कि आप लोगों ने देख लिया हो वीडियो, अभी कैसे मुझे नाइट में ड्यूटी जाना है ना, तो ड्यूटी जाने के लिए अभी सोना पड़ेगा दिन में, नहीं तो काफ़ी नींद आएगी ड्यूटी में। तो ठीक है अभी मैं सोता हूँ। फाइनली गाइस अभी सो के उठ चुका हूँ और अभी ड्यूटी में जाने के लिए रेडी वेडी होना है, ड्यूटी जाना है। आज वाले ब्लॉग को आज ही एंड करना पड़ेगा क्योंकि कल रात को मैंने जो वीडियो अपलोड किया था वो आज अपलोड किया, इसलिए थोड़ा सा टाइम मैनेज नहीं हो पाया। फिलहाल तो अभी इस वाले ब्लॉग को मैं एंड करूंगा। आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। नए लोग जो भी यहाँ तक वीडियो देख रहे होंगे, आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और सभी लोग मेरे वीडियोस को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।